हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं और थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आपके लिए क्या फील करते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं। पहला कार्ड आया है किंग ऑफ वैंड्स। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं। फाइव ऑफ वैंड्स, एम्परर, वर्ल्ड, फाइव ऑफ सोर्ड, और स्ट्रेंथ। एंड ऑफ द डेक है सेवन ऑफ सोर्ड। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन क्या फील करते हैं। ठीक है, आपके और आपके पर्सन के बीच में दूसरों की वजह से कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है या फिर एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा टेंशन आप दोनों के रिलेशनशिप में चल रहा है। इतना ज्यादा टेंशन चल रहा है कि ये पर्सन हो सकता है गिव अप भी कर चुके हों रिलेशनशिप को लेकर। आप दोनों के बीच में हो सकता है कि क्वारल्स होते हैं, बहुत लड़ाई होती है और इस पर्सन ने आपको धोखा भी दिया है पास्ट में, जिसकी वजह से जो है ये पर्सन बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि फ्लर्टी नेचर के हैं या फिर बिल्कुल बहुत ज्यादा रोमांटिक टाइप के पर्सन हैं। तो सामने वाले को ये पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर देते हैं, पर इस पर्सन ने अचानक से ऐसा लगता है कि आपके साथ जो है रिलेशनशिप को बिल्कुल एंड कर दिया है और अभी आप इस पर्सन से बात करना चाहते हो तो ये पर्सन आपसे लड़ते हैं और आपको ये बहुत ज्यादा हर्ट भी करते हैं। ये पर्सन ऐसा लगता है कि अभी इतने ज्यादा इमोशनल नहीं है, ये बहुत ज्यादा ईगो में भी रहते हैं, जिसकी वजह से इनको कंट्रोल कर पाना बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो रहा है। ठीक है, आप इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप भी या तो गिव अप कर रहे हो या फिर ये पर्सन गिव अप कर चुके हैं रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं। पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या फील करते हैं। टेन ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ कप्स। ठीक है, आपके पर्सन जो है यहाँ देखिए नाइन ऑफ कप्स आया है एंड ऑफ द टेक। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर इस वक्त जो है इनके दिल में फीलिंग्स है थर्ड पार्टी को लेके ये कुछ डिसीशन लेने वाले हैं कि इनको मैरिज करना है कि नहीं। ठीक है, इस तरीके डिसीशन लेने का सोच रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशन हो सकता है, दो रिलेशनशिप को, दो सिचुएशन को ये एक साथ जगल कर रहे थे। हो सकता है आपके साथ जो रिलेशनशिप था और इस थर्ड पार्टी के साथ जो था उसे ये पर्सन जगल कर रहे थे, तो वो अब उस कश्मकश से बाहर निकल के थर्ड पार्टी के साथ रियूनियन चाहते हैं। ये थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशनशिप है उसको लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है थर्ड पार्टी कुछ ऐसा आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप है जिसमें कि आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। मून, देखिए ये ऐसा लगता है मुझे कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो कि सही नहीं है, इलीगल टाइप का रिलेशनशिप है, मतलब जहाँ की सीक्रेट्स हैं बहुत ज़्यादा। देखिए हेरोफेंट का कार्ड है, मतलब ट्रेडिशन बिना मैरिज के हो सकता है साथ में रह रहे हैं, इस तरीके का यहाँ पे रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रहा है। तो
थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच का जो है सिचुएशन इस तरीके का है, और थर्ड पार्टी से हो सकता है इस पर्सन की कुछ विश फुलफिलमेंट हो रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा ये पर्सन कंट्रोल भी करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करते हैं ये पर्सन। एक तरफ देखिए, ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहते, आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, ये दोनों सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, तीनों वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में जो तीनों लोग रहे, मतलब आप भी रहो, ये पर्सन भी रहे और ये थर्ड पार्टी भी रहे, तो ये आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, आपसे भी एक कनेक्शन तो फील करते हैं, इसी वजह से ये पूरी तरीके से अपना कंट्रोल चाहते हैं सिचुएशन में। नाइट ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, ठीक है, ये पर्सन में बहुत ज्यादा ईगो भी है, ईगो इश्यूज की वजह से भी आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, और थर्ड पार्टी जो है बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है आपके पर्सन को लेकर, इस तरीके से आपके पर्सन आपको कंट्रोल करते हैं, थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कंट्रोल करती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है ये थर्ड थर्ड पर्सन, और इसको थर्ड पर्सन जो है उसे पता है किस तरीके से आपके पर्सन को कैसे जो है सिचुएशन को बैलेंस करके रखना है, किस तरीके से रिलेशनशिप में हारमोनी रखना है, किस तरीके से बात करना है, जिससे कि ये थर्ड आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी में ही फंसे रहे, ठीक है, आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र भी रखते हैं थर्ड पार्टी, ठीक है, हमेशा आँखों से ओझल नहीं होने देते आपके पर्सन को, इसकी वजह से भी ये जो पर्सन है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक रहते हैं, या फिर दो सिचुएशन के बीच में, एक तो आपको भी छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि आपसे भी एक कनेक्शन तो फील करते ही हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है वो ऐसा चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको हमेशा उनसे अटेंशन चाहते हो आप उनसे, पर वो देते नहीं है आपको, ठीक है, वो हो सकता है आपको अपने फाइनेंसेस को लेके या आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की वजह से ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हैं, मतलब कि वो सोचते हैं कि आप इतने फाइनेंशियली हो सकता है स्टेबल नहीं हो, या फिर अभी आप अपने पैरों पे इतने अच्छे तरीके से अपने करियर में इतने अच्छी तरीके से स्टैंड अभी तक आपका नहीं हुआ है, इसकी वजह से ये पर्सन जो है इनको लगता है कि आपको तो हमेशा फाइनेंसेस के लिए इनके ऊपर डिपेंड रहना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है ये आपके ऊपर कंट्रोल करते हैं, और ये थर्ड पार्टी जो है इसको सब पता है, और ये थर्ड पार्टी जो है इस तरीके से आपके पर्सन के ऊपर कंट्रोलिंग करते हैं, और थर्ड पार्टी मुझे ऐसे भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव टाइप के कोई पर्सन है, ठीक है, इस रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें आगे क्या होने वाला है। टावर, दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स आने वाली है, सिक्स ऑफ सोर्ड, हो सकता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ आए, ठीक है, ये देखिए फोर ऑफ सोर्ड, दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है, थर्ड पार्टी के साथ जो फ्यूचर है वो इतना सिक्योर नहीं है, ठीक है, आपके पर्सन को एक ना एक दिन थर्ड पार्टी की सारी सच्चाई पता चलेगी, और थर्ड पार्टी के जब ये पर्सन को सच्चाई पता चलेगी और इन दोनों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ की ब्रेकअप भी हो सकता है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में, देखते हैं आप दोनों का क्या है फ्यूचर, आपके पर्सन और आपका आगे क्या फ्यूचर क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों का क्या है फ्यूचर, नाइन ऑफ सोर्ड और लवर्स,
देखिए, देर सवेर इस पर्सन को रियलाइज होगी आपकी वैल्यू और ये आपके तरफ माफी मांगने आएंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है जो कि बहुत ही स्लो कार्ड है, तो आप दोनों के रिलेशनशिप को हील होने में काफी टाइम लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस पर्सन को माफ करने में बहुत वक्त लगेगा। आपको इस पर्सन ने जो भी पास्ट में जो ये, क्योंकि मैं आपको फ्यूचर का बता रही हूँ कि फ्यूचर में आप दोनों के बीच में क्या होगा, तो फ्यूचर में जो है ये पर्सन और आपके बीच में जो सिचुएशन है उसे आप बाहर निकलने में आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, काफी टाइम ऐसा हो सकता है कि आप बहुत रोते होगे इस पर्सन की वजह से, अभी भी रोते होगे, पर अचानक से सब कुछ चेंज होने वाला है। देखिए, पॉजिटिविटी आ रही है, लवर्स एट ऑफ वैंड्स, इस पर्सन को यूनिवर्स के गाइडेंस की तरह गाइडेंस से मिलेगा, या फिर आप जो आप हो सकते हैं बहुत स्पिरिचुअल हो, जिसकी वजह से इस पर्सन की जो बुद्धि है वो ठीक होगी और ये पर्सन आपके तरफ भाग कर आएंगे। आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक है? आप जो रात रात भर रोते हो वो यूनिवर्स जो है, आपके प्रेयर्स पूरी तरीके से, आपकी जो प्रेयर्स है यूनिवर्स के पास जा रही है और आप जो सोच रहे हो वो जरूर होगा, पर सिचुएशन में आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। तब तक आप अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर वर्क करिए। आप अगर अपना खुद का कुछ बिजनेस करते हैं या कहीं जॉब करते हैं तो उसमें और भी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करिए, ठीक है? जिससे कि आप इस पर्सन के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ना रहे, ठीक है? तभी ये पर्सन आपकी जो है वैल्यू करेंगे। तो आप इस तरीके से ये सिचुएशन करिए। आपके आने वाले समय में फ्यूचर मुझे बहुत ही ब्राइट नजर आ रहा है, ठीक है? जबकि ये थर्ड पार्टी के साथ देखिए क्या हाल होगा। थर्ड पार्टी के साथ टावर आएगा, सिक्स ऑफ सोड, आपके पर्सन मूव ऑन भी कर देंगे, बात नहीं करेंगे थर्ड पार्टी के साथ, बिल्कुल ब्लॉक कर देंगे, ठीक है? और ये देखिए हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, क्योंकि थर्ड पार्टी का जो असली चेहरा है, जो आप जो थर्ड पार्टी ने अभी तक छुपा के रखा है, वो आपके पर्सन को दिखेगा और चीजें आप दोनों के बीच में ठीक होगी। तो ये थी रीडिंग। ये रीडिंग सिर्फ उनके लिए है जिनके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हैं और थर्ड पार्टी के साथ क्या इस वक्त चल रहा है वो हम देख रहे थे, ठीक है? तो आप पॉजिटिव रहिए। आने वाला समय अगर आप सही हैं तो आने वाला समय आपके लिए बहुत सही रहेगा। यूनिवर्स से प्रे करते रहिए, ईश्वर से प्रे करते रहिए कि सब कुछ ठीक हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।